बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें, वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आम्बेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आम्बेडकर बन सकते हैं। और इसलिए मानवता में जिस जिस का विश्वास है, उन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बाबा साहब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान में जो कुछ मिला है, वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है, अन्याय की परंपराओं को नष्ट करने का एक उत्तम प्रयास के रूप में हुआ है।